काश ऐसा मौका जिंदगी हमें दे पाती। बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी जी लेने के बाद ऐसा ही लगता है, क्योंकि बाकी होता है एक शून्य। लेकिन इसी शून्य से शुरुआत भी तो हुई थी ब्रह्मांड की। एक छोटे से परमाणु के विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। अरे आप तो हीरो है हीरो, फिर भी आप अपने आप को समझते हैं जीरो। बस इरादा बना लो ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल लगने लगेगा कत आसमान का। ऐसी ही अलग सोच से अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ दुनिया का भला करने का निश्चय लेकर आ गए एक महान क्रांतिकारी, माननीय श्री समीर अग्रवाल। जा रहा है टाइगर ऑन मिशन दोबारा। अपने बारे में सोचना ये प्रकृति है, समाज के उन्नति के बारे में सोचना संस्कृति। तभी तो भारत के घर घर में खुशियों का पैगाम भेजने के लिए समीर जी ने स्थापित की सागा। आज हमें करीब करीब 7 साल हो चुके हैं मैच्योरिटी मार्केट में देते 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 देते। एक एक नागरिक को आर्थिक आजादी दिलाकर भारत को आर्थिक महासत्ता का सरताज बनाने का मंत्र देने वाले सागा के आर्थिक सलाहकार श्री आर के शेट्टी। इज्जत की नजरों से देखे इन्हें सारी दुनिया, अपनी मेहनत से कर देंगे इतना प्रबल रुपया। सागा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्ता धर्ता श्री आर के शेट्टी, जिनका मार्गदर्शन सागा के सुरक्षित आर्थिक विस्तार का मूलाधार है। 42 कंट्री का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा यूरोप। कई कंपनी मुझे अप्रोच किया, कई कंपनी मेरे से बात किया, आप, हम चाहते हैं आप हमारा कंपनी के साथ भी एडवाइजर बन जाओ। और मैं अपना नाम और किसी को नहीं। कोई काम करने के लिए सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, सिचुएशन को परफेक्ट बनाना ये हमारा हाथ में होता है, और हमारा सागा प्रभु इस चीज को कर चुके हैं। दूर गोलमाल, ओम शांति ओम, जोकर, पोस्टर बॉयज जैसे कई फिल्मों द्वारा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले सुपरस्टार श्रेयस तलपदे। सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपके पेट में भूख चाहिए, आपके जिगर में आग चाहिए, और आपको ये समीर भाई जैसा एक मेंटर चाहिए। तो आपके सपने पूरे करना ये भाई साहब अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। सागा का बिजनेस सारे भारत देश में फैल चुका है। भारत को आर्थिक महासत्ता का सरताज बनाने का समीर जी का सपना बेशक मुश्किल तो है, लेकिन अपने नेतृत्व गुण से उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उससे असंभव का परिवर्तन संभव में हो रहा है। उड़ने का वक्त आ गया है तो कहां उड़ा जाए, चलो लेट्स गो इंटरनेशनल। अब तो सागा ने ली है विदेश काबिज करने के लिए उड़ान। सिर्फ 10 सालों में इंटरनेशनल लेवल पर सागा अपना अस्तित्व साबित कर रही है। व्हाट नेक्स्ट, ये सोच हर कदम हर समय करने वाले समीर जी अपने ही सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए पहुंच गए सरीना पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी तक। एडवर्टाइजमेंट का महत्व तो सब जानते हैं, इससे मिलती है प्रोडक्ट की जानकारी, बढ़ता है इंटरेस्ट, निर्माण होती है इच्छा खरीदारी की, बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन में
प्रोडक्ट का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए जरूरी होती है एडवर्टाइजमेंट। इस मायावी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन काम करने वाली सरीना पुष्ट प्रोडक्शन कंपनी समीर जी ने उस पर सागा इंटरनेशनल का झंडा लहराया है। अब सागा से जुड़े सारे लोग मालिक बन गए हैं सरीना के। समीर जी के मार्गदर्शन पर सरीना के साथ आपका भी भविष्य उज्जवल है। प्यार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत जरूरी होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का हो या कैरियर का। समीर जी में वो ताकत है, तभी तो पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी का उन्होंने निर्माण किया है। जागतिक स्तर पर हर देश का मूल्यांकन उसके नेचुरल रिसोर्सेज और गोल्ड रिजर्व से होता है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि देश की करेंसी की वैल्यू भी इस पर निर्भर होती है। समीर जी ये जानते हैं कि जब तक भारत दुनिया को व्यापार में चुनौती नहीं देगा, तब तक हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। आज समीर जी की पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज ने कई विदेशी सरकारों के साथ भागीदारी की है और गोल्ड, आयन, क्रूड ऑयल, मिनरल्स के खदानों में अपना सिक्का जमा लिया है। समीर जी की पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज ने खरीद ली है मेक्सिको की 2 गोल्ड माइन। समीर जी ने मेक्सिको स्थित आयन ओर में पैरामाउंट की 70% पार्टनरशिप ली है। दुनिया में क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। इसके सस्ता और महंगा होने का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। इससे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम गैस प्राप्त होते हैं। समीर जी की सोच की रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले बेहतरीन कल का इंतजाम वो पहले से ही करके रखते हैं। तभी तो कनाडा की लीवेंट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन में 60% पार्टनरशिप आपके पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेज की है। एफलॉन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, टेक्सास, यूएस। इस रिफाइनरी के मालिक आप हैं। यूरोप के क्रोएशिया ऑनशोर एक्सप्लोरेशन के मालिक भी आप ही हैं। इतना ही नहीं, केनिया का फ्लोर्स पार्क, ये मिनरल प्लांट भी अब आपका है। तो फॉर्च्यूनर के बाद आपको पता है 25 करोड़ रुपए चैंपियन क्लब, उसमें आपको मिलेगी मर्सिडीज बेंज की एक्सयूवी गाड़ी। नेक्स्ट लेवल 100 करोड़ पे एक शानदार बंगला, एक ऐसी कोठी कि हर आने जाने वाले की नजर आपकी कोठी पे जरूर पड़ेगी। अब देश में तो बंगला बना लिया 250 करोड़ पे, देश के बाहर बीच के सामने आपका अपना सेकंड होम। ₹500 करोड़ पे आज जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिखाए ना, देखे ना आपने, उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में आप एक शेयर होल्डर, डायरेक्टर और पार्टनर होंगे। एक कमी और रह गई है मुझे लगता है, करियर किसे बोलते हैं बता दूं, 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़ आपका अपना प्राइवेट जेट विमान। सब कुछ तैयार है, आप तैयार हो जाओ। तुम्हें दिख चुका है आज हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं, तुम्हें दिख जाएगा हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। आज हमारी कंपनी इतने बड़े बड़े देश यूएस, कनाडा, केनिया, यूरोप, कितने देश, इतने जगह जाके आज हम बिजनेस करने जा रहे हैं। और सारे आंकड़े जो समीर जी आपको बता रहे थे, डॉलर में, मिलियन डॉलर में, बिलियन डॉलर में, इसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा आपका दिमाग में डालने के लिए। एक ही इसमें आपको बताऊंगा, $1 70 का होता है, 1 बिलियन मतलब $10 लाख के होते हैं, 1 मिलियन $10 लाख होता है,
$10,00,000 मतलब 7 करोड़ रुपया होते हैं। आप सबको समझ में आया कंपनी किस स्तर पे पहुंचा है। यमुना दास का नंद लाला, लक्ष्मण का गोपाला है, दुनिया भर में सागा का ही भैया बोलबाला है। आपने देखा कि इन्होंने सागा को इंटरनेशनल ले गए ना, तब मैंने भी ठान लिया बॉस मैं भी इंटरनेशनल फिल्मों में काम करूंगा, मैं भी हॉलीवुड की फिल्मों में काम करूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो भी इंसान सागा परिवार से जुड़ जाता है वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। उनकी मेहनत है जिसका वजह से आज हमारी कंपनी नेशनल से इंटरनेशनल में गए हुए सब संभव हुआ है सागा प्रभु के वजह से। हम तो हमेशा कहते थे कि सघन वन और अंधेरा मूक नियंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहां, बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। आप लोग जो लोगों को वादा करके आए उस वादा को पूरा करना है हमको। लोगों का मैच्योरिटी आज तक पिछला 10 साल में हर वक्त टाइम टू टाइम या टाइम से पहले हम दिए है, इस बार भी आने वाले दिन में भी हमने उनको देखना है। हम हिंदुस्तान का आर्थिक आजादी देके ही रहेंगे और इतिहास गवाह है, जब जब जो जो सपना मैंने देखा है पूरा तो हुआ ही है। The Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society, yani luck. Luck. The Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society. Luck. Ek aisi karobari society जो बैंकों की तरह काम करती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने खातेदारों को बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट देती है। देखिए, एक बैंक में किसी भी रूप में जितनी भी धनराशि जमा होती है उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा उस बैंक को रिजर्व बैंक के पास SLR और CRR के तौर पर रखना पड़ता है। इसके अलावा उस बैंक को अपने मुनाफे पर सरकार को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। इस तरह एक बैंक के पास 100 में से 65 रुपए बचते हैं जिनसे वो व्यापार करते हैं। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को न तो किसी तरह का कोई टैक्स देना पड़ता है और न ही रिजर्व बैंक के पास रिजर्व फंड रखना पड़ता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी 100% जमा धनराशि से व्यापार कर सकती है, जिसके कारण उसे बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी वैधानिक परिस्थितियों के अनुसार रियायती दरों पर कर्ज देने की भी पाबंद नहीं है, इसीलिए वो अपने सदस्यों को ज्यादा इंटरेस्ट देती है। रज्जू, ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह और हाँ, कल वक्त पे आ जाना। मैम साहब, ये आपके पास ही जमा कर लो। मेरे पास? मगर क्यों? अब क्या बताऊं मैम साहब, आपको तो सब पता है मेरा घर वाला कैसा पियक्कड़ है। ये पैसे घर में रखूंगी ना तो सब शराब में डुबा देगा। आपके पास रहेंगे ना तो जमा भी हो जाएंगे। अभी तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, बेटी का ब्याह भी करना है। ब्याह?
पर तेरी बेटी तो बस 2 साल की है। हाँ मैम साहब, लेकिन 16-17 साल बाद तो जवान हो ही जाएगी ना। अच्छा अच्छा बाबा, मैं समझ गई। लेकिन रज्जो, मेरे पास पैसे रखकर भी कोई खास फायदा नहीं होगा। कपड़े लत्ते गहने इन सारी चीजों की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी और पैसे का मूल्य कम होता जाएगा। वो तो है। अब जरा सोच, कुछ भी करके तूने 1-2 लाख जोड़ भी लिए तो भी जब तक तेरी बेटी बड़ी होगी उन पैसों की कीमत आज के 10-20 हजार से ज्यादा नहीं होगी। फिर मैं क्या करूँ मैम साहब? तू एक काम कर, हमारी सोसाइटी में एक बचत खाता खुलवा ले। इससे तेरी मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहेगी और तुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे पास एक स्कीम है और वो है धन की पेटी। धन की पेटी मतलब? मतलब तो कुछ रुपए 18 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में अगर रखेगी तो तुझे 10 गुना पैसे मिलेंगे। 10 गुना ज्यादा मतलब अगर मैं 10 हजार रखूं तो 18 साल बाद मुझे 1 लाख मिलेंगे, और अगर मैं 50 हजार रखूं तो 5 लाख। बिल्कुल मेम साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेम साहब, ये खाते वाते की लिखा पढ़ी में मुझे समझ में ही नहीं आती। वो सब मैं संभाल लूंगी। गुल्लक और धन की पेटी जैसे ही 2 और भी फायदेमंद स्कीमें हैं। एक है 6 साल में 2 गुना। इसके अंतर्गत आप जो भी रकम फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका 6 साल में आपको 2 गुना मिलेगा। दूसरी स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट। इस योजना के अंतर्गत आप तय की गई मंथली, क्वार्टरली, छमाही या सालाना तारीख पर तय की हुई राशि डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको बचत खाते से कुछ ज्यादा रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम से बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। वो सब तो ठीक है मैम साहब, लेकिन मेरा पैसा वहाँ पे सुरक्षित तो रहेगा ना? एकदम सुरक्षित। जी हाँ बिल्कुल। एक्ट 2002 के तहत भारत सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किए गए सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून और नियम बनाए हैं, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर हाल में पालन करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 66 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उधार या अग्रिम नहीं दे सकती। इसके अलावा कुल जमा राशि का 10% शेयर पूंजी एवं रिजर्व फंड के रूप में हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मगर अजीत भाई, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी असल में है क्या? ये एक ऐसा संगठन जो माली परेशानियों में घिरे आम इंसानों को उन्नति के अच्छे मौके देकर उन्हें खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन हमारी ये सोसाइटी बाकी कंपनियों से काफी अलग है। जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, इन सब कंपनियों में मालिकाना अधिकार सिर्फ कुछ दौलतमंदों के हाथों में होते हैं। वहां आप नौकरी कर सकते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते। जबकि इस सोसाइटी में आप उपभोक्ता तो होते ही हैं और साथ ही साथ इसमें होने वाले मुनाफे के बराबर हिस्सेदार भी होते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि इस पर कोई भी पूंजीपति कब्जा नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे विरासत के रूप में किसी के नाम कर सकता है। ये संगठन पूरी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसके जरिए अलग अलग ओहदों के लिए ओहदेदारों का चुनाव किया जाता है। इस संगठन के कारोबार में सोसाइटी के सदस्य बराबर के मालिक होते हैं। सभी सदस्यों को उनकी जमा राशि के हिसाब से मुनाफा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। यहाँ एक और बात बहुत ही खास आपको बता दूं, खुद बैंकों के कर्मचारी भी आपस में मिलजुल कर एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और उसे अपने भविष्य के लिए बचत का एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम मानते हैं। क्या यह कोई सरकारी संगठन है? सहकारी नियमों के अंतर्गत हमारी सोसाइटी को सरकारी अनुमति भी हासिल है। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी कि जिस किसी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र एक राज्य तक सीमित होता है उस सोसाइटी पर उस राज्य के अधिनियम लागू होते हैं, और जिस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है उस पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 लागू होता है, और जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं होता वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का
सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है। अरे वाह, तब तो ये सोसाइटी एकदम लीगल है। जी हाँ, लख बाकायदा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत हुई है। पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार द्वारा बताए गए उप नियमों तथा समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा किए गए संशोधन के तहत ही ऐसी सोसाइटी को काम करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी अफसरान भी नियमित रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी करते हैं, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सोसाइटी और उसके सहकारियों के हाथों में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सिलसिला है। बात तो समझ में आ रही है, पर एक सवाल है, क्या दूसरे बैंकों की तरह इस सोसाइटी ने भी RBI का लाइसेंस लिया है? नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। RBI, IRDA या SEBI का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं। RBI बैंकों को गवर्न करता है, IRDA इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करता है और SEBI गवर्न करता है कारोबारी कंपनियों को, लेकिन हमारा संबंध सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से होता है। पोंजी स्कीमों की आड़ में जालसाजी करने वाले अब तक करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। पैसा हड़प करना इन जालसाजों का पहला और आखिरी मकसद होता है। ये शातिर चोर कम समय में 2 गुना और 4 गुना करने के ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि इनके झांसे में अनपढ़ जरूरतमंद ही नहीं फंसते, पढ़े लिखे इंसान भी फंस जाते हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने RBI, IRDA, SEBI, NHB, PFRDA, ROCS, CRCS, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके बनाई है एक कमिटी SLCC, यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी, जिसने हाल ही में गूगल पर लॉन्च की है वेबसाइट सचेत। इस वेबसाइट द्वारा एक तरफ आप RBI और SEBI के माध्यम से देश में होने वाली आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े करने वालों की असलियत से भी बखूबी परिचित हो जाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ धोखेबाजों के खिलाफ समय रहते एक्शन भी ले सकेंगे। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। हम RBI और उनके सहयोगियों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कारामत वेबसाइट सचेत लॉन्च की। अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें? किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका निवेश सुरक्षित रहेगा? इस तरह की भी तमाम जानकारियां आपको मिलेगी वेबसाइट सचेत पर। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से RD, FD, MIP, बचत खाता आदि के रूप में राशि स्वीकार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी दे सकती है। तो फिर इस सोसाइटी में और बैंक में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि बैंक में आप सिर्फ ग्राहक होते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप उपभोक्ता होने के साथ साथ सभी तरीके से भागीदार भी होते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क और भी है, बैंक व्यापारियों को और कारोबारी कंपनियों को कर्जे तो दे सकते हैं, मगर कोई भी बैंक अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहयोगियों को कर्जे भी दिए जा सकते हैं और उनके साथ मिलजुल कर बड़े से बड़ा कारोबार भी किया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये शायद प्रकृति का नियम है। जन्म लेते ही जरूरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बड़ी होती जाती हैं। स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा, उसके बाद शादी, अपना घर, बच्चों की परवरिश और शिक्षा। ऐसे में आमदनी कम हो तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। आमदनी अच्छी हो तब भी कई बार वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ जाता है, कारण जो भी हो, लेकिन हर इंसान को कभी ना कभी आर्थिक सहायता की जरूरत पेश आ सकती है। कई लोग
बाजार से ऋण लेने की बजाय बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंकों के कायदे कानून और शर्तों को हर एक जरूरतमंद पूरा नहीं कर पाता, अतः वह मजबूरन गैर कानूनी रूप से कर्जे देने वालों के पास पहुंच जाते हैं और ब्याज दर ब्याज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जब आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो आपकी चिंता सोसाइटी की चिंता बन जाती है। पर्सनल लोन यानी छोटे मोटे कर्ज, कई बार बड़ी बड़ी जरूरतों में उलझकर हम छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। अक्सर आपने देखा है मार्केट में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऐसे कई सारे औजार आए जिन्हें हम कभी अपने लिए तो कभी अपने परिजनों के लिए खरीदना चाहते हैं। ऐसे में कभी हमारे पास पूरी राशि नहीं होती या किसी दूसरे बड़े काम में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरह की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी से लोन ले सकते हैं। ये सच्चाई अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि देशवासियों के आर्थिक हालात बेहतर बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है, मिलजुल कर काम करने का ये तरीका दुनिया भर में एक बहुत ही कामयाब सिस्टम साबित हो चुका है। सहकारिता हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में रची बसी है। मानव समाज में कोऑपरेशन का ये सिलसिला हजारों सालों से प्रचलित है। एक परिवार की तरह रहने और आपस में मिलजुल कर काम करने से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सकती है। सहकारिता हमारी आदत भी है और जरूरत भी। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन कई लकड़ियां एक साथ जुड़ जाएं तो उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सहयोग की इसी ताकत के बल पर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। हमारे देश के भी कई बड़े बड़े क्रांति दूतों ने बहुत सालों पहले सहयोग की ताकत को जान लिया था और इसे बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटियां ग्राम विकास के लिए न सिर्फ उपयुक्त माध्यम है अपितु ग्रामीणों द्वारा सामूहिक विकास को आगे बढ़ाती है। महात्मा गांधी। मेरे दृष्टिकोण में सहकारिता को भारत की आम सोच बनाने के लिए इसे ग्रामीण और देशज व्यक्ति से जोड़ा जाना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दृष्टि में भारत की उन्नति के लिए कोई भी माध्यम सहकारिता से अधिक प्रभावी नहीं है। वल्लभ भाई पटेल। तो क्या इस सोसाइटी का कोई भी सदस्य बन सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं। और हर वो इंसान जो हमारे और सहकारिता के विचारों से सहमत है, जो आर्थिक आजादी पाना चाहता है तथा अपने साथ साथ अपने ही जैसे दूसरे लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। चाचा अब ज्यादा सोचो मत, फौरन लग में बचत खाता शुरू कर दो। मगर शाहिद, अभी भी अगर मगर। चाचा मियाँ, अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। अगर इस गरीबी की मैयत उठानी है तो हमें आपस में चार कंधे जोड़ने ही पड़ेंगे, क्यों अजीत भाई? जी चाचा जी, अगर अभी भी सोचते रहोगे, आज तक जो करते आए हो वही करते रहोगे तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिलता आया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे। फसल उगानी है तो बीज तो बोने होंगे ना। तो भी ठीक है, अच्छी फसल के लिए बीज बो ही देते हैं। ये हुई ना मर्द वाली बात चाचा, क्यों अजीत भाई? महंगाई महंगाई कब तक चिल्लाओगे, इस तरह कुछ नहीं पाओगे। रोने धोने से नहीं गलने वाली किसी की दाल, बहुत ही मोटी है इस बिगड़े हुए सिस्टम की खाल। सुरक्षित करना है अगर अपना आज और आने वाला कल, तो एक बार फिर उठाओ मजबूत इरादों के हल। कमर कस के मैदान में उतरना है, कल गैरों से लड़े थे आज अपनों से लड़ना है। चुनौतियों ने है फिर ललकारा, जब तक न मिले गरीबी से छुटकारा, तब तक हर पल हर सुबह हर शाम रुके बगैर लगातार लड़ना है ये संग्राम। सुधारना है अपनी अर्थव्यवस्था का हाल, जलानी है अब एक क्रांति की नई मशाल। दोस्तों, समय आ गया है, प्रगति की इस धारा से जुड़ जाइए, लक से हाथ मिलाइए। कामयाब इंसान जानता है कि उसे उसका पैसा और वक्त कहां पर निवेश करना है।
आपको आपका वक्त ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। अगर आज आपने आपके वक्त की कदर नहीं की तो कल आपका वक्त आपकी कदर नहीं करेगा और दुनिया में बुरे वक्त में भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वक्त की एक खासियत है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो ये बदलता जरूर है। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। वक्त बहुत बड़ी चीज है, ये आपको हीरो भी बना सकती है और जीरो भी।